रियल एस्टेट को संकट से उबारने के लिए सरकार रियल एस्टेट के पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी देने पर विचार कर रही है। कोरोना काल में नकदी संकट में फंसे डेवलपर्स के लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है। इस तरह से पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स के बिना बिके फ्लैट्स बेचने के लिए ग्राहकों का इंतजार नहीं करना होगा। अगर सरकार से मंजूरी मिल गई तो विदेशी निवेश के जरिए डेवलपर उस रकम से कर्ज चुका सकता है और अगले प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर सकता है। अगर ये आता है तो ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। हालांकि अभी तक कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 100% FDI रूट अलाउड था, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं उन प्रोजेक्ट्स में कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज के लिए FDI का इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था और लैंड डेवलपमेंट के लिए भी नहीं था। तो अगर ये आता है तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स को भी लोग मोनेटाइज कर पाएंगे उस पैसे से, जो इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पैसे की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट डेवलपर्स अपने उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पाएंगे। दरअसल सरकार को ये कदम इसलिए उठाना पड़ रहा है कि कोरोना काल में ग्लोबल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जनवरी जून छमाही में 33% तक लुढ़क गया है। एशिया पैसिफिक रीजन को इससे सबसे बड़ा झटका लगा है, जहां प्रॉपर्टी निवेश 45% तक कम हुआ है, क्योंकि वायरस का सबसे पहला अटैक इसी इलाके में हुआ था। अमेरिका में रियल एस्टेट निवेश 36% और यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में 19% तक कम हुआ है। सेविल्स की रिपोर्ट में जारी किए गए इन आंकड़ों में विस्तार से ये भी बताया गया है कि रियल एस्टेट के किस सेगमेंट में निवेश कितना कम हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक टूरिज्म इंडस्ट्री को सबसे जोर का झटका लगा है। होटल्स में निवेश 59%, रिटेल प्रॉपर्टीज में 41% तक लुढ़क गया है। हालांकि ये दोनों वो सेगमेंट है जिन पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। अगर बात करें इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल सेगमेंट्स की तो वहां पर हालात बेहतर है। यही वजह है कि रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स और रेसिडेंशियल के बेहतर करने की बात कही गई है। स्लोडाउन के बावजूद रेजिडेंशियल रियल एस्टेट और हाई स्ट्रीट रियल एस्टेट के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2009 में, mid-2009 तक 49% की गिरावट फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बावजूद देखने को मिली थी, और इस बार 33% की गिरावट निवेश में देखने को मिली है। तो ओवरऑल इस समय स्थिति पहले की मंदी से बेटर दिख रही है। रेसिडेंशियल सेगमेंट कहेंगे, कमर्शियल सेगमेंट कहेंगे, ओवरऑल रियल एस्टेट मेरा मानना है एक लोकलाइज प्ले ज़्यादा है, और जो इम्पैक्ट हम पिछले कुछ दिनों में इंडिया में देख रहे हैं वो काफ़ी मैं कहूँगा स्ट्रांग रहा है, और सेल्स में और ओवरऑल इस इंडस्ट्री पे काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट रहा है। और अगर देखेंगे कि राइट प्राइस पे अभी भी टेकर्स हैं, और वो रिवाइवल हम लास्ट 1-1.5 महीने से देख रहे हैं, बायर्स आर कमिंग बैक, जो कि बहुत एक पॉजिटिव साइन है। साथ ही राहत की बात ये भी है कि 2008 में जहां रियल एस्टेट निवेश दुनिया भर में 49% घटा था, इस बार हालात उतने बुरे नहीं हैं। उस दौरान निवेश 2009 के मध्य तक कमजोर बना रहा था। इस बार तो रेसिडेंशियल एशियन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ब्लैकस्टोन के जापानी अपार्टमेंट्स में निवेश से 105% की छलांग कोरोना काल में लगा चुका है। ऐसी ही उम्मीद रियल एस्टेट के रेसिडेंशियल सेगमेंट से भारत में भी की जा रही है।